एनसी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रजा सिंह। वक्त हो चुका है मॉर्निंग न्यूज का, तो चलिए नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। लोकसभा स्पीकर पद पर केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच आम सहमति नहीं बन सकी है। देश में पहली बार स्पीकर पद के लिए चुनाव होने जा रहा है। आज सुबह 11 बजे स्पीकर के लिए वोटिंग होगी। एनडीए ने ओम बिरला को ही दोबारा अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं विपक्षी दलों ने के सुरेश के नाम पर सहमति जताई है। सुरेश ने नामांकन भी भर दिया है। डीएनस्टेन टेक लिमिटेड आईपीओ आज से सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा। ये एक बुक बिल्ट इश्यू है, जिसके जरिए कंपनी ने 22.08 करोड़ रुपए जुटाने का प्लान बनाया है। आज हरियाणा विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी हरियाणा कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक के लिए हरियाणा से करीब 30 वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं को आमंत्रित किया गया है। उत्तराखंड में भारतीय वन सेवा से जुड़े अफसरों के तबादले की तैयारी पूरी कर ली गई है। बता दें कि आज शासन में सिविल सर्विस बोर्ड की बैठक होगी। बैठक में IFS अफसरों के स्थानांतरण पर अंतिम मुहर लगाई जाएगी। वहीं इन पदों पर तबादले होने हैं, इसको लेकर नामों की सूची भी तैयार की जा चुकी है। आज झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन धनबाद जिले में प्रस्तावित भ्रमण कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। इसी कार्यक्रम के मद्देनजर सुगम यातायात प्रवाह हेतु धनबाद शहर के यातायात मार्ग में निम्न परिवर्तन किया गया है। परिवर्तित मार्ग 26 जून को सुबह 10 बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक प्रभावी रहेगा। पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश के सहकारी नेता स्वर्गीय सुभाष यादव की 11वीं पुण्यतिथि आज भक्ति दिवस के रूप में मनाई जाएगी। बता दें कि आज उनके गृह गांव बोरावा में श्रद्धांजलि सभा, पौधारोपण सहित विभिन्न आयोजन किए। हरियाणा में आज रोडवेज कर्मचारी भूख हड़ताल करेंगे। बता दें कि मांगों को लागू न करने के विरोध में हरियाणा रोडवेज कर्मचारी आज सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक सांकेतिक भूख हड़ताल करेंगे। आज जयपुर के न्यू सांगानेर रोड पर मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से बुलडोजर चले, इस दौरान ट्रैफिक डायवर्ट किया जाएगा। करीब 6.5 किलोमीटर क्षेत्र को अलग अलग भागों में बांटकर कार्यवाही की जाएगी। बताते चलें कि पहले दिन मेट्रो स्टेशन से रजत पथ तक अतिक्रमण हटाए जाएंगे। धार में अग्निवीर भर्ती रैली परीक्षा की शुरुआत दूसरी बार होने जा रही है, जिसको लेकर प्रशासन ने सारी तैयारियां पूरी कर ली है। वहीं सेना के आला अधिकारी भी धार पहुंच चुके हैं। प्रशासन की टीम के साथ सेना के अधिकारियों ने पूरे क्षेत्र का निरीक्षण कर लिया। रायपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में आज कई स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ के 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना। वक्त हो चुका है इतिहास का, तो चलिए जानते हैं आज का दिन क्यों है कुछ खास। साल 1498 में आज के दिन चीन में पहला टूथब्रश बनाया गया। साल 1949 में आज के दिन बेल्जियम के संसदीय चुनाव में पहली बार महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला। साल 1992 में आज के दिन भारत ने 3 बीघा गलियारा 999 वर्षों के लिए बांग्लादेश को पट्टे पर दिया। साल 1992 में आज के दिन भारतीय फील्ड हॉकी खिलाड़ी मनप्रीत सिंह का चयन हुआ था। साल 2000 में आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल द्वारा बांग्लादेश को टेस्ट का दर्जा दिया गया। मॉर्निंग न्यूज में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।